अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 136। और आज के इस लेसन में हम कंप्लीट 3D चैन लिंक जो है तो बनाएंगे। 3D चैन हम बनाएंगे और उसमें हम कंप्लीट एक लिंक देंगे बाय द हेल्प ऑफ एरे कमांड, पाथ एरे कमांड के मदद से हम ये काम करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको ऐसे बता दिया था, मैंने कहा था कि आप इसे जो है तो आप एरे की मदद से भी आप पूरा लिंक बना सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट आपको पूरा का पूरा मेथड समझा दूं कि आपने किस तरह एरे की मदद से काम करना है, क्योंकि एरे पाथ एरे में भी आप थोड़ा सा इसमें ताकि आपको आसानी हो जाए, आप आसानी से ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा पाथ एरे में भी काम करना आपके लिए, और लिंक पूरा का पूरा लिंक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कंप्लीट मेथड आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरह 3D चैन ड्रॉ करनी है एरे की मदद से। तो इसलिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे वो जो है तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से बल्कि इसको मैं थोड़ा यहाँ से छोटा करता हूँ और साइज का थोड़ा छोटा करता हूँ, और ये इलास्टिक की जगह मैं इसको जो है तो 2D वायर फ्रेम करता हूँ। और यहाँ से मैंने जो काम करना है, आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसका कोई मैंने लिंक नहीं दिया हुआ, इसका एक जो नॉर्मल मैंने प्रीवियस लेसन में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था सिर्फ सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको मैंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी को आप यहाँ से जो है तो मैं 2D वायर फ्रेम पर क्लिक करता हूँ और 2D वायर फ्रेम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको टॉप पर लेके जाता हूँ। और अब इस पर जो काम करूँगा वो आप देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ करें एल एंटर और यहां से F8 प्रेस करता हूं स्ट्रेट लाइन के लिए, 300 में लेंथ दे देता हूं फॉर एग्जांपल इस लाइन को, Z स्पेस A स्पेस ओके O एंटर 100 लेंथ में इसको देता हूं यहां से ऑफसेट, O एंटर 100 एंटर बल्कि 80 कर देता हूं, O एंटर 60 एंटर, ऐसे इतना भी काफी होगा। और यहां पे एक मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, सी एंटर इसके मिड पॉइंट से यहां से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ओके, और यहां से भी सर्कल ड्रॉ करता हूं 2P सर्कल ड्रॉ करता हूं, सी एंटर 2.2P एंटर, फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया और सेकंड पॉइंट ये दे दिया, ट्रिम कर देता हूँ इसको, TR डबल इंटर, और इसको यहाँ से इस कॉर्नर को मैं यहाँ से इस पॉइंट में जोड़ देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। एक बाइक का जो हमारे पास जिस तरह बाइक होता है उसका जो चैन होता है वो हम ड्रॉ करें, TR डबल इंटर ओके, ज्वाइन करता हूँ इसको, ज्वाइन के लिए J इंटर, फिर फिर करता हूँ ज्वाइन हो गया, और इसको यहां से मूव करूंगा कंट्रोल जेड, बल्कि इसको थोड़ा मूव करता हूं और इसको अब मैं यहां से जो है 3D व्यू में लेके जाऊंगा और वहां पे मैं इसको एक ग्रुप बना लूंगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और एक ग्रुप बना लेता हूँ, ग्रुप ओके, अब ये ग्रुप बन गया देख सकते हैं। अब मैंने जो काम करना है वो ये है कि मैं इसको दोबारा यहाँ से टॉप व्यू में ही आता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे इसे करीब थोड़ा सा रख देता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रख देता हूँ ओके। अब जो काम करना है वो ये है कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं भी इसका ग्रुप जो है ना ख़त्म कर देता हूँ ताकि बल्कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ की। अब जो काम करना है वो ये है कि मैं अब पाथ एरे लूँगा, पाथ एरे के लिए मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, पाथ एरे पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा पूरे ऑब्जेक्ट को, स्पेस करूंगा और यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा,
तो अब देखिए हमारे पास एक एरे तो अप्लाई हो गया, लेकिन ये पाथ एरे नहीं है, पाथ एरे नहीं है। तो इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से आइटम बढ़ा सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ से स्पेस इसका बढ़ाऊँगा, 26 करता हूँ मैं, 26 में अभी देखें बिल्कुल से एक्यूरेट नहीं आया, तो मैं इसको 22 करता हूँ, 22 में कुछ कुछ फासले पे हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने बेस पॉइंट पे क्लिक करना है। बेस पॉइंट पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसका बेस पर मैं मिड दूंगा, यहाँ से मिड जो होगा मिड, ओके। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक चेन कंप्लीट ड्रॉ हो गया है। बहुत इजी मेथड है आपके चेन को ड्रॉ करने का, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको बेस पॉइंट की ये चीज़ें मैंने शायद कि एरे में नहीं समझाई थी सही तरह से, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली भी इस पर अप्लाई कर लिया कि हम इसको पाथ एरे किस तरह कर देते हैं। इसको कॉपी करता हूँ सीपी, या मूव करता हूँ इसको एम एंटर, इसमें थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा इसको मूव कर दूँ, ओके सही है। अब ये चेन एक ड्रॉ हो गया, अब इस चेन को देखना है, तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से 2D वायरफ्रेम की जगह यहाँ पे आप रियलास्टिक पे क्लिक करें, और इसको यहाँ से 3D व्यू में लेके जाएं, देखें ज़रा, ओके। तो देखें हाँ, बस यहाँ चेन एक ड्रॉ हो गई है, और बहुत ज़बरदस्त चेन ड्रॉ हुई है, देखें बहुत इजी मेथड है, देखें ज़रा। तो ये कंप्लीट हमने एक चेन ड्रॉ कर ली। देख सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेसन में भी हम एक और देखेंगे, कोई एक और जो नॉर्मल एक और तरह की चेन होती है उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूँ क्योंकि ये थोड़ा टॉप पे आ गया, तो इसको मूव करने के लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं इजीली, देखें अब सही है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।